हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज गैसियस स्टेट का जो लेक्चर लेकर आए हैं उसमें हम लोग गैस लॉ पढ़ना शुरू करेंगे। पहला लॉ पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आप लोग पढ़ चुके हैं और कोई नया लॉ नहीं है, आपको सिर्फ इसको एक बार दोबारा देखना है जस्ट रिवीजन की तरह, क्योंकि क्लास 11th में गैसियस लॉ आपके उसमें बहुत अच्छे से दिए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह। आज हम उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। तो हेडिंग लगाइए, गैस लॉ पहले लगाइए। गैस लॉ, दी गैस लॉ, ठीक। सबसे पहला लॉ हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। पहला लॉ है बच्चों बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमको ये बताता है बच्चों, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, अभी मैं डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, ये देखिए वॉल्यूम है ऑफ ए गिवन मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। बात समझ में आई? वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस वॉल्यूम ऑफ ए गैस ऑफ ए गिवन मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट ए गिवन टेम्परेचर विच इज कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो तो वो जो है रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है। जहां पर अगर हम V इज इक्वल टू के वन अपॉन पी लिखते हैं, मतलब के यहाँ पर क्या है बच्चों, के है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक, दूसरा है V वॉल्यूम। V क्या है? वॉल्यूम। P क्या है? प्रेशर। और T कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी हमको करना है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K। लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K, P को इस साइड लिया तो PV इज इक्वल टू K लिख सकते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ, तो ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ, इसकी दो डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसको डिफाइन कर रही हूं, प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट इज कॉन्स्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट गिवन टेम्परेचर तो वही होगा, या एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर।
क्लियर. सो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर हमने ऊपर कॉन्स्टेंट लिया हुआ है और टेम्परेचर हमने यहाँ पर टी है जो कि कॉन्स्टेंट है. ठीक, अब इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं जो इसके अकॉर्डिंग बनती है. तो ये डेफिनेशन तो हमने इसके अकॉर्डिंग ली थी, अब इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन हम लोग ले रहे हैं वो है द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गिवन मास. द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, क्योंकि किसका मास है, ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. Provided temperature is constant. दोनों तरह से डेफिनेशन समझ में आ गई. ये बात कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. इन्होंने कहा वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ प्रोवाइडेड टू टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो अब इसके बाद जब इन्होंने इतना कह दिया तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये, क्योंकि जिस फॉर्मूले को हमें इस्तेमाल करना है, जिसका यूज करना है वो अभी आगे आएगा. तो इस डेफिनेशन को बिगाड़ दे बच्चों. डेफिनेशन नोट कर लिए आप लोगों ने. बच्चों ये हम लोगों ने देखा बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में हमने देखा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के. अब हम लोग देखते हैं V1 इज द बॉयल अगर एट टेम्परेचर T, अगर टेम्परेचर T पर एट टेम्परेचर T V1 इज द V1 is the volume of a given mass of a gas at pressure P1. And V2 is the volume of the same mass V2 is the volume of the same mass of a gas at pressure P2. ये किस प्रेशर पर है, P2 पर. देन वी हैव, अब हमको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा बच्चों, इस फॉर्मूले से देखिए
P1 V1 is equal to P2 V2 at constant temperature. अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ग्राफ में बॉयल्स लॉ को कैसे दिखा रहे हैं। ये नोट कर लिया बॉयल्स लॉ। अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। दो तरह के ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम लिया है हमने लीटर में, इनवर्स, और यहाँ पे हमने लिया है पी लिया है जिसको एटीएम जिसकी यूनिट है, और ये हमने प्रेशर लिया है, और ये हमने वॉल्यूम लिया है। ठीक, यहाँ पर देखिए, और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे जो ग्राफ मिला है ये हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इस लाइन में इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है? द स्ट्रेट लाइन शोज दैट द प्रेशर इज The pressure, this straight line shows the pressure is, the pressure is directly directly मतलब प्रेशर जो है इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ टू द इनवर्स ऑफ वी, इस फॉर्मूले पे आधारित है ना। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वन अपॉन वी इंक्रीज करेगा। ये हम लोगों ने जो ये फॉर्मूला निकाला था पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी। ठीक, अब दूसरा है प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस एज वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये ग्राफ यहाँ पे लिया हुआ है। नीचे हमने प्रेशर लिया हुआ है यहाँ पर, मैंने वॉल्यूम लिया हुआ है ही। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज करता जाता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये इसकी शर्त है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ही ये काम होगा। टेम्परेचर लिख दो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ है, ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा आपका प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज करेगा। इसमें बताया हुआ है पी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी।